नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, कॉलेज को अगले साल के लिए सेव करने के लिए ये बिल्कुल सही समय है, तो आप भी समय अपने कॉलेज को सेव कर लें। किसी में भी कर सकते हो, पॉली बैग में कर सकते हो, ज़मीन में कर सकते हो, प्लास्टिक की बॉटल्स वगैरह आती हैं उनमें कर सकते हो। तो मैं सेव करने जा रही थी, सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। तो चलिए करते हैं सेव। अगर आपके कॉलेज भी इस तरह से हो गए हैं, देखो जैसे मेरे हुए हैं, इतने लैगी, वैसे ये मेरा 1.5 साल का कॉलेज होगा, तो अब इसने तो ख़राब खैर होना ही था, लेकिन फिर भी मतलब हो जाते हैं। मैं इसी साल के लगाए हुए कॉलेज भी आपको बताऊंगी कि मतलब कैसे कुछ मतलब थोड़ा ख़राब से हो गए। और इस कॉलेज को भी मेरे 2 साल हो गए, तो इसका भी मुझे करना पड़ेगा। देखो ये ऐसे हो गए हैं सारे, मतलब हाइट तो इनकी बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत ज़्यादा। ये आलमंडा की वजह से, देखो मैंने फिर दोबारा इसके काट दिया, प्रूनिंग कर दी इसकी, लेकिन फिर भी मतलब ये रुक नहीं रहा है। तो यहाँ ऐसे हो जा रहे हैं कॉलेज इस तरह से। ये देखो इनकी पत्तियों में भी कुछ बीमारी सी लग रही है शायद। तो अगर आप अगले साल के लिए अपने कॉलेज सेव करना चाहते हैं तो कैसे सेव करें, ये मैं आपको बताऊंगी अभी। ये देखो पत्तियाँ, जो पत्तियाँ ख़राब होती हैं उन्हें हमें हटा देना चाहिए, लेकिन टाइम होता नहीं है इसलिए हम ऐसा कर नहीं पाते। जैसे ये वाला कॉलेज सही है और ये वाला ख़राब हो रहा है, तो हम इनके साथ कुछ काम करते हैं। यहाँ देखो स्नेल मेरे किसी भी प्लांट को रहने नहीं दे रहे हैं। और गेंदे को तो मैं शाम को लगाती हूँ और सुबह स्नेल। ये देखो इसके अंदर एक कीड़ा है, यही कीड़े ये इसको तोड़ के खेत में फेंक देते हैं। तो ये मतलब मैं शाम को कटिंग लगाती हूँ और सुबेरे स्नेल सारे खाकर चपट कर देते हैं। तो चलिए अब कर लेते हैं काम। इनको मुझे पॉट से बाहर निकालना पड़ेगा, उसके बाद मैं इनके देखते हैं क्या करती हूँ। और यहाँ पे मैंने ये सारे कॉलेज उखाड़ दिए, सब बड़े बड़े थे, ये देखो कितने बड़े बड़े, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े थे ये, तो मैंने सब उखाड़ दिए। अब हम क्या करेंगे, मतलब ये अक्टूबर का महीना सही है, इस टाइम पे हम मतलब इसको लगा सकते हैं, लेकिन जैसे ही मतलब नवंबर दिसंबर जनवरी आएगा ना, तो तब कटिंग लगना बहुत ही मुश्किल है। तो अगले साल के लिए अगर हमें इसे सेव करना है, वैसे मैंने ज़मीन में भी लगा रखे और मेरे पॉट में भी, मतलब मैंने सबको हटाया नहीं है, जो मेरे इसी साल के उन्हें मैंने रहने दिया था। तो हम कटिंग ले लेते हैं कुछ कुछ की, और बाकी जो बेकार होगा वो उसे हम हटा देंगे, और इसके जो नीचे नीचे की पत्तियां हैं उन्हें भी हम हटा देते हैं। और मुझे इसकी ज़्यादा कटिंग्स लेनी है इस वाले की। ये सब अच्छी अच्छी हैं तो इसे मैं ले लेती हूँ, और हम इन कटिंग्स को एक पॉट में लगा देंगे। और फिर जब गर्मियों का टाइम आएगा, गर्मियों में तो बहुत रौनक रहती है ना कॉलेज की, तो तब हम इन्हें लगा देंगे। और अगर आपने भी सेव नहीं किए हैं अगले साल के लिए, आपके कॉलेज भी ऐसी हैं, तो तुरंत सेव कर ले अपनी कॉलेज को, क्योंकि फिर नवंबर में ठंड ज़्यादा हो जाती है, नवंबर दिसंबर जनवरी में, तो अभी आप सेव करते हैं। तो चलिए हम लगा लेते हैं इनको। तो जो ये वाला कॉलेज है इसे लगा देती हूँ मैं, 3-4 कटिंग एक ही पॉट में लगा देती हूँ। इस तरह से आप भी लगा सकते हैं। जब भी कटिंग लगाएं तो 3-4 कटिंग एक साथ लगाएं, ज़रूरी नहीं कि आपकी सारी कटिंग हो जाएं, काफ़ी सारी कटिंग्स मर भी जाती हैं। तो ये जो इसके पत्ते ख़राब हैं ये इसे मैं हटा देती हूँ। मेरी आदत है मैं जब भी लगाती हूँ तो काफ़ी सारी कटिंग एक साथ ही लगाती हूँ, क्योंकि ज़रूरी नहीं है हमारी सारी कटिंग्स चलें, कुछ ख़राब भी हो जाती हैं, तो इसलिए जब भी लगाएं तो 4-5 कटिंग एक साथ लगा दें। ये अब हम इनमें पानी डाल देंगे और इनको शेड में रख देंगे, क्योंकि आपको पता ही है कि कॉलेज बहुत जल्दी धूप में मतलब मुरझा जाता है। तो ये तो हमने कटिंग ही लगाई है, तो ये हम मैंने अगले साल के लिए अपने सेव कर दिए हैं। और कुछ मैं आपको बताऊंगी कि
कुछ में मतलब पॉट में मैंने छेड़ा ही नहीं है, नहीं हटाया मैंने। और कुछ पॉट मेरे यहाँ ये हैं, ये अभी इसी साल के हैं तो इन्हें मैं नहीं हटा रही हूँ, ये सब ठीक ठाक हैं तो इन्हें ऐसे ही रहने देती हूँ।